देश में सीएए को लेकर हो रहे विरोध के बाद अब भाजपा ने आमजन को सीएए की जागरूकता के लिए अभियान शुरू कर दिया है। वहीं जनता को किस प्रकार से इस कानून के बारे में बताया जाए, इस पर मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भाजपा नेता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक अरिहंत गांगुली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसमें गांगुली ने सीएए और एनआरसी की जानकारी दी, साथ ही बताया किस प्रकार जनता के बीच जाकर इस कानून को लेकर सरकार का पक्ष रखा जाए। गांगुली ने कहा कि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसके लिए पार्टी की ओर से जन जागरण अभियान शुरू किया गया। इससे देश की जनता सीएए को लेकर भ्रमित नहीं होगी। आज इसका दो पहलू था, एक है सीए के ऊपर जानकारी, क्योंकि गुमराह करने की बहुत कोशिश हो रहा है, और दूसरा पहलू था कि ये जन जागरण अभियान एकदम जमीनी स्तर तक, ग्रासरूट तक इसको ले जाना है। जो हम कहते हैं कि साइलेंट मेजॉरिटी जो है इसको समर्थन कर रहा है, इनके पास जाना है और कहना है कि ये सीए का संदर्भ क्या है, ये आखिर में क्यों बना और क्यों बनना चाहिए था, और प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है इसके पीछे, केंद्रीय गृह मंत्री जी का क्या उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प क्यों है, ये लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि लोगों का समर्थन है। कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ पार्टी गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक परिवार का इतिहास, कांग्रेस के जो नेता हैं वो सिर्फ एक परिवार का इतिहास ही जानते हैं, अपने पार्टी का इतिहास भुला दिया। इसलिए आज के जो वर्कशॉप कार्यशाला था, सीए का विषय, इसका ऐतिहासिक जो कॉन्टेक्स्ट है वो जानना, और आज के दिन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज जो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और फॉल्स नैरेटिव्स, फेक न्यूज़ को पुश कर रहा है, इसको अपने कार्यकर्ता के सम्मुख रख के इसके काउंटर कैसा करना चाहिए, विद ट्रूथ, विथ फैक्ट्स और प्रामाणिकता से कैसा करना चाहिए।